नमस्कार न्यूज में मैं नीलम आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आए हैं मिस्टर शशि बजाज जी से मिलने एंड उनकी वाइफ मिसेस चंचल बजाज, जिनकी आज गोल्डन जुबली एनिवर्सरी है। और मिस्टर शशि बजाज जो है वो एक सोशल वर्कर है एंड मिसेस चंचल बजाज एक एक्ट्रेस हैं, काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस है, बहुत काम इन्होंने किया है और नव भारत टाइम्स की मेंबर है और हिंद माता मैगजीन की संपादक है। तो बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड हैं ये। तो आज इनके एनिवर्सरी के मौके पर जानेंगे ये इनकी खुशनुमा जिंदगी का राज, जो आज तक इन लोगों का प्यार बना हुआ है और बहुत इंडिपेंडेंस लाइफ ये जीते हैं। तो जानते हैं इनकी थोड़ी सी लाइफ के पहलू कि ये लोग कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और कैसे अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाते हैं। मैं उनके लिए ये एक हीरे का सेट उनको गिफ्ट दे रहा हूँ। बजाज सर बताइए, जैसा आपके एनिवर्सरी है, आपने हीरे का गिफ्ट लिया, तो आप हर साल अपनी एनिवर्सरी पे वाइफ को गिफ्ट देते हैं? नहीं, तो आज स्पेशल दिया। हाँ, ये क्या है कि बहुत बचत वाली है, ये नाना करती रहती है। कल इसको बोला सूट ले ले, अपनी मर्जी का ले ले, चप्पल ले ले, ये रेट देकर पीछे हट जाती है। ये मैं तो बोलता जो मर्जी अच्छे से अच्छा ले है? लेकिन ये अभी खाना भी देखो बोली इधर खाना, मैं बोला होटल में खाएंगे आज, तो इधर ही बचत बहुत करती है। आप बताइए मैम, आपको कैसा लगा गिफ्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने शादी के बाद मुझे पहली बार ये गिफ्ट दिया है। हमारी 35 साल हो गए शादी को और ये 36वीं हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो शायद इसकी वजह से उन्होंने दिया हो। मैं ये जानना चाहूँगी, आप लोग आज भी बहुत खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स में आप लोग साथ में जाते हैं, इस बॉन्डिंग का थोड़ा सा राज बताइए। बिल्कुल, मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ और हम दोनों खुश रहते हैं और झगड़ा भी बहुत करते हैं, हम लोग का नोक झोंक भी बहुत होता है, बट उसके बाद भी हम बहुत मतलब फ्री माइंड हैं। हमने अपने बच्चों को भी फ्री छोड़ा हुआ है, हमने बोला कि जो आपका दिल करता है वो करो। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है और 2 बेटे हैं, अच्छे से रह रहे हैं और हम भी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं कि हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। और मैं, मेरा जो काम है, मैं अभी एक्टिंग में बिजी हो गई हूँ थोड़ा भाई, इसमें ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि अभी मेरी लाइफ जो बच्चों की है वो अभी ख़त्म हो गई है, अभी बच्चे बड़े हो गए तो मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो अभी हमारी 50 साल के बाद जो अभी ज़िंदगी शुरू हुई है, तो इसको अच्छी तरह से मतलब इंजॉय करना चाहिए दोनों हस्बैंड वाइफ को। कहीं भी जाना है या इंजॉय करना है या टूर पे जाना है या घूमने जाना है, तो यही उम्र होती है जाने की। एक्टिंग फील्ड का आपके मन में विचार कैसे आया? एक्चुअली मैं शादी से पहले ही एक्टिंग करती थी और मैं रेडियो आर्टिस्ट थी, तभी तो टीवी वगैरह नहीं होते थे। उसके बाद मेरी शादी होगी, जब मैंने सुना कि मेरी शादी मुंबई में हो रही है तो शायद वहाँ पे थोड़ा मैं एक्टिंग कर सकूँ, लेकिन मैं घर गृहस्थी में पड़ गई तो मैंने काम नहीं किया। अभी मैं 12 साल से फिर इस लाइन में आई हूँ क्योंकि अभी मैं अपने आप को फिट समझती हूँ कि अभी मैं काम कर सकती हूँ। आप बजाज जी, आपको कैसा लगता है आपकी वाइफ टीवी पर दिखती है, एक्टिंग करती है? बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है, अगर ये एक्टर ना होते तो मेरी शादी ना होती। सही बात है कि 82 में अवतार पिक्चर में इसने राजेश खन्ना के साथ माता रानी बुलाया गाना किया, वहाँ इनके आर्टिस्ट लोगों से पहचान हुई तो इसका दिल किया। तो मेरे पिताजी इधर आए 10 साल के बाद मेरे को मिले, तो उन्होंने जब बरादरी में बात की तो बोले भी शशि का कोई पता नहीं है, अता पता नहीं है, उसके लिए हम लड़की नहीं देंगे, गाँव की बरादरी है। तो फिर पिताजी ने मैट्रिमोनी निकाला पंजाब के सिनी में, तो इसने पढ़ा, इसने बिना पिताजी से पूछे चोरी पोस्टपोन्ड करती रही, इसको था बॉम्बे में आना। हमने सुना बड़े जॉली नेचर के थे अपने टाइम पर। बिल्कुल, आज भी हैं, हम ढूंढते रहते हैं, जब भी टाइम मिलता है मौज करो, हर रोज करो, नहीं मिले तो खोज करो। आपका क्या कहना है मैम इस बात पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी है अगर आपको अपनी लाइफ खुशनुमा बनानी है तो फिर खुशनुमा बनना पड़ता है। आपका कहने का मतलब है एक दूसरे को इंडिपेंडेंसी देनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लाइफ अपने आप खुशनुमा हो जाती है। हाँ, अपने आप खुशनुमा हो जाती है और ये उम्र भी है वैसे, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, टेंशन से वैसे ही कई बीमारियाँ आ जाती हैं। हम लोगों की अभी उम्र हो गई है, मैं 60 साल की हो गई हूँ और अभी मैं चाहती हूँ कि मैं खूब जो मैंने अभी तक नहीं कर सकी हूँ वो करूँ। जो मेरा एम था कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनूँ। हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा है?
हस्बैंड का तो बहुत सपोर्ट है, अगर ये ना होते तो मैं काम भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये मुझे पुशअप करते रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, तो मैं करती हूँ बस, अभी स्ट्रगल भी कर रही हूँ। कोई अच्छा सीरियल मिल जाए कंटिन्यूटी में तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो बजाज जी, आपने की एन का मूवी देखी होगी, की एन का, अर्जुन कपूर एंड करीना कपूर की, तो मुझे लगता है आपकी लाइफ शायद आप दोनों की कुछ इसी तरीके से है, तो आपको लगता है वो उस मूवी से रिलेट करते हैं अपनी लाइफ? नहीं माँ, तो वो पहले ही मूवी तो अभी आई है, हम तो 34-33 साल पहले ये कर चुके हैं कि आपस में अंडरस्टैंडिंग थी तो हम खड़े हैं यहाँ पर, नहीं तो हम बिखर गए होते, क्योंकि मेरा बिजनेस एकदम डाउन हो गया, ये गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया तम्बाकू के ऊपर, गुटखे के ऊपर, ये वो, तो मेरी फैक्ट्री बंद होगी। उसके बाद ये ड्रेस डिजाइनर का किया हुआ था इसने, तो पहले नौकरी मिली, फिर अपनी बुटीक खोली और बहुत अच्छे से काम किया। फिर कुछ टाइम हम पंजाब गए, वहाँ भी बॉम्बे बुटीक के नाम से खोली, और ये पूरा घर का खर्चा पूरा टोटली ए टू जेड संभालती रही है। फिर बाद में फिर मैं थोड़ा बहुत कोई मेरे को जॉब मिल गई, तो अभी मैं रिटायर हूँ तो सोशल काम करता हूँ। तो मैम आप बताइए कि आगे और आप हमारे जो एल्डर सोसाइटीज़ हैं जो भी, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं आप दोनों, कि लाइफ का एक पड़ाव आप क्रॉस कर चुके हैं तो आपकी गोल्डन जुबली है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको अपनी लाइफ, आगे जो लाइफ है उसको कैसे स्पेंड करना चाहिए एज ए हस्बैंड वाइफ? एज ए हस्बैंड वाइफ उनको तो प्यार से रहना चाहिए और बच्चों के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, और जो कुछ भी उनके पास है तो जब तक वो ज़िंदा है अपने पास सेव करके रखना चाहिए और अपनी लाइफ को इंजॉय करें, क्योंकि अभी तो उनकी लाइफ जो है वो अपनी अलग से है और बच्चों की अलग है, क्योंकि ये ज़माना ही कोई ऐसा आ रहा है कि अभी सब बच्चों की लाइफ अलग अलग है, सबके व्यूज़ अलग अलग हैं, और पेरेंट्स के जो व्यूज़ हैं वो भी अलग ही होते हैं, ज़्यादा बच्चों को वो प्रेशर भी नहीं करते हैं और बच्चे सुनते भी नहीं हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों हस्बैंड वाइफ को अपनी जो लाइफ है वो एक अलग तरीके से इंजॉय करनी चाहिए दोनों। बजाज जी, जैसे जैसे उम्र निकलती है तो पेरेंट्स की या एल्डर एज आने के बाद एक थॉट्स चेंज होते रहते हैं, अरे अब तो इतनी उम्र हो गई, लोग क्या कहेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे पहनेंगे, तो इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे आप क्या बोलेंगे जिनके ऐसे थॉट्स चलते हैं जो भी अल्डर एज में? गलत थॉट है, कोई 20 साल का लड़का है तो उसकी सोच ऐसी है कि 80 साल वाली, तो 80 साल के हैं जिनकी 20 साल ही है, और बुढ़ों को अपनी 20 साल ही वाली थॉट रखनी चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए, और एक्टिव रहेंगे एक मिनट भी खाली नहीं बैठना चाहिए, और तंदुरुस्त रहेंगे। तंदुरुस्ती के लिए सबसे बढ़िया है कि कुछ भी करो, चाहे सोशल करो, चाहे कोई वर्क करो, जॉब करो, एक्टिव रहो। हम दोनों हैं, एक्टिव रहते हैं।